What's Up TV again comes up to you guys with another fun segment, and this time we have with us celebrities from our tinsel town talking about their first salary and how did they spend it. First salary? Talking about, I worked before this also. I was a junior artist, and I was in college, I didn't understand anything. So my friend one day told me that let's go to shooting. So I went with him. He said that you will stay behind the hero. So I said, I have to watch shooting. He said, okay, you will also get money. I said, okay, it's nice. I'm watching the shooting and I'm getting money. And in college, you don't need money in your pocket. That was okay. So I got some, I think 300 rupees for that. That 300 rupees, I think, if I'm not mistaken, I have a polythene in my hand. एक पतले पॉलिथिन में वो रैप करके रखे हुए हैं। I don't know अगर होंगे कि नहीं होंगे अभी घर पे, but रखे हुए हैं। I think my first salary was एक कुछ डबिंग की थी मैंने Chinese 90s में ना एक Chinese के सीरियल्स को डब करके हिंदी में दिखाया करते थे, तो वो डबिंग की थी मैंने। I think I got 2000 bucks for a half an hour job and उसका I think उस पैसे से मैं अप्पू घर गई थी दिल्ली में मेरे cousins के साथ। Yeah, that's what I did. मेरे को बिल्कुल याद नहीं कि मेरे को पहले कितनी सैलरी मिली यार, ये सवाल मुझे पहले भी पूछा और मुझे याद नहीं है, पर शायद मैं बॉम्बे शिफ्ट होने से पहले आई यूज्ड टू फ्रीलांस फॉर एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। टाइम पास करता था, ऐसे फिगर आउट कर रहा था लाइफ में कि मतलब कैसे क्या, ऐसे लोगों से मिलता था, इवेंट मैनेजमेंट भी करता था वो। आई थिंक बॉलीवुड से ही कुछ सिंगर्स आए थे, कुछ परफॉर्मर्स आए थे, तो आई थिंक आई वॉज़ हैंडलिंग समथिंग। सो आई थिंक उसमें कुछ ज़्यादा मुझे याद नहीं, पर 3-4 हज़ार या 5 हज़ार के अंदर कुछ मिला था, और उसके साथ मैंने क्या किया मुझे याद नहीं है। मैं जानता हूँ आपका सवाल वही है नेक्स्ट। मैंने किसी को कुछ नहीं खरीद के दिया, ना मेरे मम्मी को ना मेरे पापा को, ऐसी चीज़ें मैं करता नहीं हूँ। जब मेरा दिल करता है तभी करता हूँ। मेरे को फर्स्ट सैलरी लास्ट सैलरी से कोई मतलब नहीं होता है, पर जितना मुझे याद है ऐसा कुछ मैंने किया नहीं, शायद टाइम पास ही किया हुआ उन पैसों से। माई फर्स्ट सैलरी वॉज ऑफ ₹10,000 व्हेन आई यूज्ड टू असिस्ट माई कज़न इन फैशन डिज़ाइनिंग। So I started working with her at the age of 17, and that's when I earned my first salary of ₹10,000. बहुत कुछ किया actually, बहुत कुछ किया। I bought a mobile phone for myself. वो Nokia के आते थे ना, कुछ 5,000 के मोबाइल, कुछ ऐसा कुछ। हाँ, तो मैंने अपने आप के लिए मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था और मैं बहुत खुश हुई थी। और मुझे बचपन से ना फ़ोन से बहुत लगाव था और है, तो मैंने सोच लिया था पहले सैलरी में मैं अपने लिए मोबाइल फ़ोन खरीदूंगी, और मैंने वही किया। मैंने आई थिंक मेरी पहली कमाई, इफ़ आई रियली 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 गो बैक एंड थिंक अबाउट इट, वाज माय डैड वाज शूटिंग फॉर दिस सीरियल कॉल्ड परंपरा, एंड मैं आई थिंक तभी स्कूल में था, आई थिंक 4th 5th में होंगे, आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ ओल्ड आई वाज। एंड मैं सेट पे गया था टू हेल्प देम विद द जस्ट आई थिंक पापा की शूटिंग बहुत नज़दीक होती थी मेरे स्कूल से, सो आई हैड गॉन ऑन द सेट, एंड मुझे बड़ा शौक था बचपन से ही, तो आई यूज टू गो देयर। एंड आई रिमेंबर वन डे मेरी स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई थी, एंड अगले दिन छुट्टी थी, तो आई टोल्ड डैड कि मैं आज पापा मैं वेट कर रहा हूँ, मैं मस्ती करूँगा, एंड एवरीबडी यूज़ टू लव मी। मैं मतलब गोलू पुलू सा था, तो सब लोग मुझे ऐसे गाल खींच के बिठाते थे, एंड आई टोल्ड द डायरेक्टर मदन सर, आई स्टिल रिमेंबर, एंड आई हैड टोल्ड हिम कि सर मैं आपके साथ आज रहूँगा, तो इसे आ जा तू मेरा क्लैप बॉय बनना। सो द फुल डे आई हैड आई आई यूज़ क्लैप आई डू दैट, एंड बाय द एंड ऑफ द डे आई थिंक मुझे 101 रुपये मिले थे। सो दैट आई थिंक वॉज माई फर्स्ट मोस्ट चेरिश्ड मोमेंट। उसका मैंने क्या किया मुझे याद नहीं, बट आई थिंक मैंने उसको पिग्गी बैंक में डाला था उस समय, वो मुझे इतना याद है। लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज इन स्कूल, सो मेरी जो मामी है, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स मामी, जो मेरी मॉम के भाई की बीवी, जस्ट टू क्लियर, सो शी इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, तो वो मतलब क्रिएटिव कैंडल्स बना सकती है, पेंट कर सकती है, शी कैन मेक फ्लावर्स, वो मेहंदी रख सकती है। सो एक बार जब वो एक शादी वाले घर में वो मेहंदी रखने गई थी, तो मैं भी उनके साथ गई थी, और मैंने भी एक 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 जो बच्ची थी वहाँ पर उसके हाथ में मैंने मेहंदी रखी थी, आई मस्ट बी 13-14 देन, और उसके मुझे कुछ 500 रुपीज़ मिले थे, सो
that was my I should consider that my first salary. Yeah. मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से अपनी मॉम को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था क्योंकि आई ऑलवेज फेल्ट कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो जब यू स्टार्ट अर्निंग तो उनके लिए मुझे तो लगता है कि अपनी हर सैलरी से सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए बट या अपनी फर्स्ट सैलरी से मैंने अपनी मॉम को गिफ्ट दिया था इट वॉज नॉट अ सैलरी एक्चुअली आई वॉज वर्किंग सम लाइक आई वॉज डूइंग समथिंग इन माई कॉलेज तो कॉलेज में उसके पैसे मिले थे हमको लाइक आई वॉज इन माई सोसाइटी और हमने एक अमाउंट जीता था तो इट वॉज what 3000 rupees I guess yeah actually my first salary was here I won't tell you the amount bye stay tuned to whatsapp tv for more such fun segments Upasana Patel Neha Savant with cameraman Babaji Mangesh India Forums Mumbai Hi, I'm Kashmira Irani and you're watching me on India Forums and kindly subscribe to whatsapp tv